आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा एक नूडल बनाने के लिए प्रायः सुरुचि कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, और विकल्प है बेटा आपके पास में ये अ, प, स और ये दिया गया है द। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं केसर के बारे में बात करूं तो केसर कुछ इस तरीके की नजर आती है, जिसके अंदर जो है इसको हम लोग किसमें काम में लेते हैं, जैसे कि हमारी जो मिठाइयां बनाते हैं, है ना, मिठाइयां या फिर खीर, ये कुछ इस तरीके के व्यंजनों में इसको काम में लिया जाता है, है ना। उसके बाद में जो है बेटा, यानी कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। दालचीनी वगैरह जो होता है बेटा, ये मसाला वगैरह जैसे कि सब्जी वगैरह जो हम लोग बनाते हैं उसके अंदर, या फिर किसी भी कचौड़ी वगैरह जो भी बनाई जाती है ये उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली ये मसाले के रूप में काम में आती है, यानी कि इसको भी सुरुचि के रूप में काम में नहीं लेते हैं। जैतून का तेल नॉर्मली बेटा, ऑलिव ऑयल जो कि ये हल्का होता है, कम फेट का होता है, ये होता है हमारे पास में जैतून का, है ना, जैतून का तेल। ठीक है, ये क्या है, दालचीनी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कुछ इससे इस तरीके से दिखाई देती है। जैतून का तेल भी बेचा हम लोग उसके अंदर काम में नहीं लेते हैं, सुरुचि के लिए बोला गया है बेसिकली। और जो हमारे पास में सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अजीनोमोटो। अगर आपने कभी कभार नूडल के अंदर देखा होगा तो जब भी वो बनाता है तो ये कुछ इस तरीके से एक छोटा सा अजीनोमोटो डालता है। क्या डालता है, अजीनोमोटो। ये कैसा होता है बेटा, ये जो स्वाद में थोड़ा सा खट्टा खट्टा व मीठा, ये दोनों ही तरीके का होता है। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको काम में लिया जाता है, जिससे कि उसका स्वादिष्ट स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। द हमारा सही होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।